तो क्या आप एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं? क्या है वो तरीका? क्या वो लेजिट है, सही है या गलत है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सब हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ 199 सेकंड्स में। हेलो एवरीवन, आई एम चरणजीत सिंह एंड यू वॉचिंग पारी द रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने इस तरह की एड्स काफ़ी सारी देखी होंगी। आजकल आपके YouTube पे बहुत ज़्यादा एड्स इस तरह की आ रही हैं और इन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पे लिखा आता है कि ये मेंबर्स ओनली वीडियो है और इसको आप देख नहीं सकते। अगर आप ज्वाइन करेंगे उनके चैनल को तो आप उनकी वीडियो को देख पाएंगे। और ज्वाइन करने की कुछ नॉमिनल फ़ीस होती है, 50 से लेकर 150 रुपीज़ हैं। सारी क्लिक बेट एड्स हैं, अंदर इनमें कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाने का नया तरीका है। और ये क्या करते हैं, गूगल ऐड पर जाते हैं, अपनी उसी मेंबर ओनली वीडियो को उस पर ऐड लगा देते हैं गूगल पे। तो गूगल क्या करता है, गूगल आपका कोई भी ऐड है वो क्लिक पर व्यू पे आपको चार्ज करता है। क्लिक पर इंप्रेशन पे बहुत कम चार्जेस हैं और क्लिक पर व्यू पे आपके 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ऐड को गूगल पे लगा रहे हैं और जो उस पर सेट कर देते हैं क्लिक पर व्यू। तो बंदे ने उस पर क्लिक तो कर लिया, वीडियो पे वीडियो चलेगी नहीं क्योंकि वो मेंबर्स ओनली है। तो इनके पैसे भी खर्च नहीं हुए और इन्होंने सब्सक्राइबर भी गेन कर लिया और यहाँ फिर आपसे ज्वाइन करवा लिया 150 रुपये लेके या 50 रुपये लेके। तो ये क्या हुआ, ये धोखाधड़ी हुई। मेरी नज़र में ये धोखाधड़ी है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस कुछ दिखती भी हैं तो प्लीज़ उन पर क्लिक मत कीजिए, उनका फ़ायदा मत कराइए, क्योंकि ये सिर्फ क्लिक बेट एड्स हैं। इस पर लिखा होता है कि आप पेटीएम से इतने पैसे कमा पाओगे अगर ये वीडियो देख लोगे, और बहुत जल्दी गूगल एड इस पर एक्शन लेने वाला है और ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। और इसका असर हमारी एड्स पर भी पड़ रहा है। अगर हम चाहें कि मैं अपनी वीडियो को गूगल ऐड पर लगा दूं तो मैं एक नॉर्मल वीडियो लगाना चाहता हूं, बट इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लिक पर व्यू बहुत ज़्यादा रख रखा है, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, जहाँ पे हम लगाते हैं 30 पैसा 40 पैसा, बस इतना ही। तो इनके इंप्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना बजट बहुत अच्छा सेट कर रखा है और क्लिक पर व्यू बहुत अच्छा सेट कर रखा है। तो इनकी एड्स धड़ाधड़ चलती जा रही हैं, इनका कोई पैसा भी नहीं लग रहा। तो ये बहुत स्मार्ट गेम खेल चुके हैं। तो हम जैसी वीडियो के एड्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, हमें गूगल ढंग से कहीं भी नहीं दिखा पा रहा है। तो हमारे जो क्लिक पर व्यू है वो भी बहुत महंगा होता जा रहा है। इन एड्स की वजह से हमारी एड्स पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बहुत जल्दी रिपोर्ट होने वाला है, गूगल एड्स को बंद करने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और बहुत टाइम तक चल जाएगी तो बहुत गलत है। इसका इंप्रेशन आपकी ऑडियंस पे पड़ रहा है क्योंकि आपका जो ऑडियंस है वो आपसे अब कनेक्ट नहीं कर पाएगी, आपसे आपके ऊपर विश्वास ख़त्म हो जाएगा उनका। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है। आपके चैनल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, थोड़े टाइम में पड़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन आपका कम हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ ना कीजिए, ये इलीगल है और इसको बंद कर दीजिए। और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि 1 लाख व्यू एक दिन में मिल जाएंगे अगर आप इस तरह की कोई भी ऐड देखते हैं। तो प्लीज़ उस पर आगे रिएक्ट मत कीजिए, उसको क्लिक भी मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और अगर कुछ भी आप इनपुट अपना देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ और अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।